complete attitude. It's all about learning. Hello students, welcome to our channel Complete Edu. मैं मनोज भार्गव. पिछले वीडियो में हमने सीखा कि कैसे रेडॉक्स रिएक्शंस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के काम में आती है, और इसी को कंटिन्यू करते हैं कि कैसे साइंटिस्ट ने यूज़ किया रेडॉक्स रिएक्शंस का, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का, कि आप जनरेट कर सकें केमिकल्स से इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो क्या इंस्ट्रूमेंटल सेटिंग थी, थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं. डैनियर और वोल्टा ने एक बेसिक सा इंस्ट्रूमेंट सेटअप किया. तो दो वैसल लिए. पहले वैसल में जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन फिल किया गया है. किसका सॉल्यूशन है? जिंक सल्फेट ZnSO4 का एक्वस सॉल्यूशन. और सेम टू सेम एक वैसल और दूसरा वैसल जिसमें कि कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है, CuSO4 कॉपर सल्फेट, ब्लू नीले रंग का एक्वस सॉल्यूशन है. और दोनों एक्वस सॉल्यूशंस में सेम टू सेम मेटल की रॉड अप्लाई की है. जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में साइंटिस्ट ने जिंक मेटल की रॉड अप्लाई की, और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में साइंटिस्ट ने कॉपर मेटल की रॉड को क्या किया है, अप्लाई किया है. दोनों को किसी कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया, बिल्कुल बेसिक. और करंट की डायरेक्शन देखने के लिए आप गैल्वेनोमीटर का भी यूज़ कर सकते हैं. दोनों सॉल्यूशंस में करंट फ्लो स्टेडीली हो जाए और सर्किट रहे कंप्लीट, इसके लिए एक छोटी सी इंस्ट्रूमेंट और लगाई है. इस इंस्ट्रूमेंट को हम जानते हैं सॉल्ट ब्रिज के नाम से. सॉल्ट ब्रिज या लवण सेतु क्या होता है? ये एक कांच की पाइप है, लगभग यू शेप की, उल्टा यू लगता है. इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघट्य जैसे KCl या KNO3 इस टाइप का भरा रहता है. ये इलेक्ट्रोलाइट ऐसा होना चाहिए, विद्युत अपघट्य, जो इन दोनों सॉल्यूशन से, इन दोनों विलयनों से कोई भी अभिक्रिया ना करे. इसका काम क्या है कि दोनों सॉल्यूशंस में डिप रहता है, इधर साइड कॉटन के एंड्स लगा के आप इसमें से आयंस को फ्लो करवा सकते हैं इस साइड, और आयंस को फ्लो करवा सकते हैं इस साइड, ताकि आयनिक फॉर्म में जो चार्ज है वो दोनों सॉल्यूशंस में क्या रहता है, बैलेंस रहता है. सॉल्ट ब्रिज का और क्या काम है इसे भी अपने देखेंगे. पर जनरली आप ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट क्या कर लेते हैं, सेट कर लेते हैं, जो कि उन साइंटिस्ट ने किया, कि एक जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक की रोड, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर की रोड, दोनों सॉल्यूशंस को एक यू शेप की पाइप से अटैच किया है, दैट इज नोन एज सॉल्ट ब्रिज. और दोनों वायर्स, जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनको कंडक्टिंग वायर से क्या किया हुआ है, अटैच किया हुआ है. और मान लो बीच में कोई लगाई है आपने की, जैसे ही की को आप ऑन की पोजीशन में लाते हैं तो आप देखते हैं कि करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है. करंट कैसे फ्लो होता है, उसके लिए सबसे पहले अपने लिखते हैं कुछ ऑब्जर्वेशंस कि आपको सेल में क्या क्या चीज़ें दिख रही है, भाई सेल में चल क्या रहा है, आंखों से क्या दिख रहा है, दैट इज नोन एज ऑब्जर्वेशन. और जो ऑब्जर्वेशन होगी आपको, उस बेस पे आप कोई ना कोई क्या निकाल सकते हैं, रिजल्ट भी निकाल सकते हैं. तो सबसे पहले जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो तो आप देखते हो करंट कॉपर से जिंक की साइड फ्लो हो रही है, बिल्कुल आपको गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिख जाता है. तो सबसे पहली ऑब्जर्वेशन आपको क्या मिलती है, करंट करती है फ्लो फ्रॉम कॉपर इलेक्ट्रोड टू जिंक इलेक्ट्रोड. देखने में साफ साफ पता लगेगा कि गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है वो इस साइड डिफ्लेक्शन दे रही है, इट मीन्स कॉपर से जिंक की साइड करंट फ्लो हो रहा है. और इस पे रिजल्ट भी बता सकते हैं. रिजल्ट क्या है कि करंट फ्लो होता है पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं करंट की इनवर्स डायरेक्शन में, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग, है ना, फ्रॉम जिंक रोड टू कॉपर रोड. ये ऑब्जर्वेशन था. इस बेस पे आपने एक बेसिक सा रिजल्ट भी बता दिया कि करंट अगर जा रहा है कॉपर से जिंक में, जो कि अपने को दिख रहा जाता हुआ, इट मीन्स करंट अगर इस साइड जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स किस साइड फ्लो हो रहे हैं, जिंक से कॉपर की साइड में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं. एक दो मिनट तक फिर देखते हैं तो आपको सेकेंड ऑब्जर्वेशन भी दिखनी शुरू हो जाती है कि जिंक रोड जो थी इट स्टार्ट्स मेल्टिंग, धीरे धीरे ये पिघलना भी क्या हो गई, शुरू हो गई, है ना. जिंक जो रॉड है उसने स्टार्ट किया क्या होना,
मेल्ट होना सबसे इम्पोर्टेंट मामला। जिंक रोड मेल्ट हो रही है, थोड़ी सी पतली होती दिखाई दे जाती है आपको। इट मीन्स क्या हो रहा है वहाँ पे कि जितना भी जिंक जो कि किस फॉर्म में था, सॉलिड फॉर्म में, मेल्ट हो गया। इट मीन्स वो किस सॉल्यूशन में आ गया, ZnSO4 एक्वस सॉल्यूशन में आ गया। इट मीन्स जिंक सॉलिड Zn+2 एक्वस में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। और जिंक अगर Zn+2 में कन्वर्ट होगा तो दो इलेक्ट्रॉन भी लूज करेगा। यहाँ पे चल रहा है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन का त्याग, जिसको अपनों ने पिछली वीडियो में देखा, जानते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण के नाम से। तो बेसिक बात ये भी रिजल्ट पता लगा कि जिंक की रोड मेल्ट हो रही है। इट मीन्स यहाँ पे ऑक्सीडेशन का काम चल रहा है, ऑक्सीडेशन। और बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है, स्टूडेंट्स को ना बड़ी कन्फ्यूजन रहती है इलेक्ट्रोड्स के नाम देने में। मैं बता देता हूँ, जिंक इलेक्ट्रोड यहाँ पे वर्क कर रहा है एज ए एनोड, और कॉपर इलेक्ट्रोड यहाँ पे वर्क कर रहा है एज ए कैथोड। किस इलेक्ट्रोड को कहते हैं एनोड और किसको कहते हैं कैथोड, बड़ा आसान है। पॉजिटिव नेगेटिव के चक्कर में नहीं पढ़ना कभी भी, है ना। स्टूडेंट्स याद रखते हैं एनोड पॉजिटिव होता है, कई जगह मिल जाएगा एनोड नेगेटिव होता है, है ना। पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, एनोड डिपेंड करता है रिएक्शन पे। आपको जिस भी इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया दिखती है, वो इलेक्ट्रोड हमेशा हमेशा क्या कहलाएगा, एनोड। चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, सेम टू सेम। जिस इलेक्ट्रोड पे आपको रिएक्शन मिलेगी रिडक्शन की, इट मीन्स अपचेन, जहां जहां पे आपको रिडक्शन दिख रहा है, वो जो इलेक्ट्रोड होगा वो हमेशा हमेशा क्या कहलाएगा, कैथोड। चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी हो सकता है, वो रिएक्शन पे डिपेंड करता है। देखो उन्होंने देखा साफ साफ, ऑब्जर्वेशन आई, देखने पे पता लग रहा था भाई ये जिंक रोड ना मेल्ट हो रही है। मेल्ट होने का मतलब कि जिंक जो सॉलिड था वो जिंक Zn+2 आयंस में कन्वर्ट होकर सॉल्यूशन में चला गया। दो इलेक्ट्रॉन क्या किए, लूज। लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉन एज ऑक्सीडेशन। इट मीन्स जिंक इलेक्ट्रोड एज ए एनोड वर्क कर रहा है। दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या आती है कि कॉपर इलेक्ट्रोड पे कॉपर मेटल जमनी शुरू हो जाती है, डिपॉजिट हो रही है, कॉपर रोड की मोटाई थोड़ी सी बढ़ गई। आपको दिख रहा है उस पर कॉपर के एटम आके लग रहे हैं। इट मीन्स तीसरी ऑब्जर्वेशन आती है आपको कि जो कॉपर रोड है उस पर कॉपर एटम्स क्या हो रहे हैं, डिपॉजिट हो रहे हैं। कॉपर एटम डिपॉजिट हो रहे हैं, ये दिखता है आपको सिंपल ऑब्जर्वेशन कि यहाँ पे मॉलिक्यूल आके लगने थोड़े थोड़े क्या हो गए, शुरू हो गए। इस ऑब्जर्वेशन के बेस पे अपने और रिजल्ट दे सकते हैं, जो कि मैंने पहले बता दिया आपको, कैसे कि कॉपर प्लस टू सॉल्यूशन एक्वस में जितने भी थे, है ना, ऐसे ही हुआ होगा कि जिंक Zn+2 में कन्वर्ट हो गया, दो इलेक्ट्रॉन रोड पे रिलीज कर दिए, वो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले भाई, चल चल के कॉपर रोड पे आ गए। कॉपर रोड पे जब दो इलेक्ट्रॉन आए तो सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट में कौन से आयन थे सॉल्यूशन में, Cu+2, तो Cu+2 ने वो दो इलेक्ट्रॉन गेन किए और कॉपर सॉलिड में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। कॉपर सॉलिड इसके ऊपर डिपॉजिट हो गया, जमना शुरू हो गया। इट मीन्स कॉपर प्लस टू आयंस ने दो इलेक्ट्रॉन गेन किए, यहां पे हो रहा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या चल रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को किस नाम से जानते हैं, रिडक्शन, की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वहां पे अपचयन होता है। तो देखो ये बेसिक सी प्रोसेस थी, वही जो अपनों ने रिडक्शन रेडॉक्स में देखी कि ऑक्सीडेशन का मतलब लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन त्यागना, जिंक ने इलेक्ट्रॉन त्यागे। रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, कॉपर ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, जिंक ने जो इलेक्ट्रॉन त्यागे वो इस रोड से इस वायर के थ्रू चले कॉपर तक आ गए, कॉपर ने वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए। इस इंस्ट्रूमेंट सेटिंग से टोटल में दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक क्या हो गए, फ्लो। और इलेक्ट्रॉन के फ्लो कोई किस नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जानते हैं। तो इस इंस्ट्रूमेंट्स ने वो चीज़ पॉसिबल कर दी कि जिससे आप केमिकल रिएक्शंस से इलेक्ट्रिकल एनर्जी की क्या कर पा रहे हैं, फॉर्मेशन कर पा रहे हैं। अब दो तीन बातें और हैं इससे रिलेटेड छोटी छोटी जो सीखने वाली हैं। वो क्या है कि सबसे पहली बात तो ये सॉल्ट ब्रिज का यहाँ पे क्या काम है, किस लिए लगाया गया है। तो होता ऐसे है कि जैसे जैसे सारा जिंक Zn+2 में कन्वर्ट होगा, दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो सॉल्यूशन के अंदर यहाँ देखो कौन से आयन आ जाएंगे, Zn+2 Zn+2 Zn+2।
सॉल्यूशन में बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज आ गया। इलेक्ट्रॉन जो लूज हुए हैं वो किधर जाने की कोशिश कर रहे हैं? इधर। बट पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा तो इधर जाने से रोकेगा, है ना। इधर सेम टू सेम क्या चल रहा है कि जितना भी Cu+2 आयन था इस सॉल्यूशन के अंदर वो कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। इस सॉल्यूशन में बच गया SO4-2। सॉल्यूशन में बहुत सारा नेगेटिव चार्ज उधर से आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, उन पे भी नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज करेंगे रिपेल। तो इधर से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो रहे हैं, इधर से इलेक्ट्रॉन रिपेल हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर मुश्किल हो जाएगा थोड़ा। इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया साइंटिस्ट ने? सॉल्ट ब्रिज में इलेक्ट्रोलाइट जिसमें K+ आयन है, Cl- आयन है बहुत सारे। इधर जैसे ही Zn+2 पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है, सॉल्ट ब्रिज से नेगेटिव चार्ज वाले आयन आके इसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। सेम टू सेम इधर SO4-2 नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होता है, इधर से पॉजिटिव आयन आके इसको भी क्या कर देते हैं? न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो सॉल्ट ब्रिज के दो मेन काम है, सॉल्यूशंस को न्यूट्रलाइज रखता है ताकि इलेक्ट्रॉन फ्लो इजीली हो जाए। दूसरा सर्किट भी क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है ताकि करंट भी क्या हो जाए? इजीली फ्लो हो जाए। तो आपने देखा बड़े आराम से आसान तरीके से आप केमिकल्स को यूज करके केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। इस सेल को अपने जानते हैं डैनियल सेल के नाम से। किस नाम से? डैनियल सेल। साइंटिस्ट वोल्टा और डैनियल ने इस सेल को बनाया था। आपने सीखा। अगर आपको वीडियो पसंद आई, कंसेप्ट समझ आया, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। कोई अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। थैंक यू।